और वो बिलाल उधर अभी आइजन के साथ लगा हुआ है, और ये है आइजन, बड़ा खुश हो रहा है तुम्हारे साथ है। ये पंखा है, ये देखना था, चेक करना इस पंखे पे। अच्छा जी, अभी आपको लग रहा है नॉर्मल पंखा है, चल रहा है चल रहा है। वो देखो नीमो आ गया, ओए होए टीरेक्स भी आ गया, क्या बात है। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आउटफिट ऑफ द डे, चेक दिस आउट। ऑक्सफोर्ड शूज, ठीक है, साथ आपने पहनी पैंट्स, ये स्लिम फिटेड है लेकिन नॉट एंटायरली। साथ आप पहनो मेरी जेनमार्टो की तांजीरो वाली शर्ट, डांस ऑफ फायर वाली, एक गुड वॉच, और ये साथ पूरा कॉम्बिनेशन पीछे से कुछ ऐसे देखेंगे हम। असल में जो इस तरह की वाइट टीज होती है ना, वो ब्लू जीन्स के साथ बहुत अच्छी जाती है, ब्लैक के साथ भी अच्छी जाती है नो डाउट, लेकिन जो ब्लू होता है ना, ये जो लाइट ब्लू वाला कलर होता है, व्हाइट के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का प्लान ये है कि हमने बिलाल भाई की तरफ जाना है, फाइनली 3 दिन से नहीं हो रहा था, उनके हमने वो डिलीवरी देनी है जो शर्ट्स की थी, उसके बाद फिर फिजा की यूनिवर्सिटी में जाना है, उसने कोई अपनी चीज पकड़नी थी। तो वी आर जस्ट प्लेइंग बाय द ईयर कि जो भी आज समस्या होती है वो आपको दिखाते जाए और साथ लेके जाते जाए। तो फिजा, आर यू एंड आइजन रेडी? आइजन शाह, आप लेडी हो गए हो कि नहीं, अभी भी ड्रामे करने हैं? आइजन शाह, आप लेडी हो गए हो या अभी भी ड्रामे आपके हैं? वो देखो कैसे लिप्स अंदर दबा लेता है, चुटकू आ जाए तो कार सीट में डाले। तो बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि अभी मैं यूपीएस के स्टोर दोबारा आ गया हूँ, मैंने कुछ डिलीवरीज हैं ये देनी थी। अगर किसी बंदे ने अपना बिजनेस या स्टार्टअप नहीं किया ना, और जरूरी नहीं क्लोथिंग किसी भी चीज का हो सकता है, तो ये चीज ना एक बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है लोगों के लिए, जहाँ पे ना उनको पता नहीं होता है डिलीवरीज वगैरह का क्या करना है। तो बेसिकली शॉपिफाई पे अगर आप बनाते हो ना अपनी वेबसाइट, तो वो आपके लिए खुद ही शिपिंग लेबल प्रिंट कर देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में, यूएस में हो तो वो कर देंगे, कैनेडा में भी कर देंगे, अपनी जो पाकिस्तान है ना उसके लिए अपना काम अलग करना पड़ता है। पैकेज देख के मैं बाकी बाद में समझाता हूँ, एक सेकंड आया। फ्यू मोमेंट्स लेटर, पैकेजिंग वगैरह इसकी क्रिएट करो तो ना, लेबल क्रिएट कर रहे होते हो, तो ये जो इसके शिपिंग फ्लायर्स नहीं होते जो ग्रे रंग के पैकेट है, ये आपको वॉलमार्ट कहीं से भी मिल जाएंगे, ये मैं अमेरिका वाले लोगों की बात करो, पाकिस्तान में भी देते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर कुरियर प्रोवाइडर होते हैं ना, वो लेना बहुत जरूरी है। उसमें आप अपना सामान डाल के अंदाजे का वेट लगा दो कि एक शर्ट का कितना वेट होगा, फिर बस डायमेंशन डालनी होती है बैग की, और वो आपको शिपिंग लेबल में प्राइसेस दे देता है कि अच्छा यूपीएस वाले फेडएक्स वाले आपको इतने रेट पे देंगे, तो जो उसमें से आपको सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन लगती है आप वो लेते हो। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको शिपिंग वगैरह के आगे इशू होंगे, अगर अपना कोई चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं ना, अगर किसी ने मेरे से इसमें हेल्प लेनी हो सेटअप वगैरह करने में या चीजों में, तो मैं कोचिंग भी अभी तक करता हूँ, मैंने वैसे बहुत कम कर दी थी, लेकिन आई स्टिल हैव दैट, का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा फॉर्म का ना। और कुछ लोग कहते हैं कैनेडा वाले कि कैनेडा में आप शिपिंग कर सकते हैं, जब मेरा प्रोडक्ट्स अमेरिका में आ जाए तो मैं कैनेडा में कर सकता हूँ शिपिंग ना, मैंने शॉपिफाई पे चेक किया था, कैनेडा की शिपिंग हो सकती है। तो जो कैनेडा वाले अभी मुझे देख रहे हैं, आप अपनी ऑर्डर कर सकते हैं, जो मेरी ये वाली कलेक्शन है इस पे आप ऑर्डर करें, नई वाली पे भी मैं कैनेडा नहीं कर पाऊंगा, वो मैं बाद में करूंगा, मैं आपको फिर कैनेडा में इंशाल्लाह ये वाली शर्ट्स जो मेरे पास स्टॉक में है वो डिलीवर कर दूंगा इंशाल्लाह। इंडिया वाले, यार इंडिया वालों तुम्हारा पता क्या मसला है, तुम्हें अगर मैंने डिलीवरी करनी हो ना पाकिस्तान से या यूएस से, तो मुझे इतने पैसे पड़ेंगे जितने में मेरी 3 शर्टों के पैसे हो जाए, समझ रहे हो तुम? तो वो कॉस्ट इफेक्टिव अभी तक नहीं है। पाकिस्तान से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इंडिया का कर लूं, लेकिन यार वो पाकिस्तान से तो बहुत ही महंगा सीन है यार, वो तो हमारे मुल्कों की जंग ही नहीं खत्म हो रही। तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट अ वे जिसमें मैं देखूं कि जो शिपिंग पाकिस्तान से इंडिया होती है, अगर तो वो होती है तो मैं इंडिया में करूंगा। बहुत इंडिया वाले मुझे देखते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं उनको कुछ दे नहीं पा रहा। अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंडिया वालों के साथ भी इंशाल्लाह सीन गुड हो जाए। तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम जा रहे हैं सीधा बिलाल भाई की तरफ और फिर उनके अपार्टमेंट में जाके मिलते हैं। आई विल सी यू देयर इंशाल्लाह लेटर। हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स, हम आगे बिलाल भाई के अपार्टमेंट में, अभी बिलाल भाई तो आगे बैठे लेकिन मैं आपको उनके अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, बड़ा ही हिप और मजे का बना दिया यार, मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतना आर्टसी। तो हम यहाँ से एंटर होते हैं तो आप चेक करो कि यहाँ पे साथ ही कैबिनेट्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है कुकू घड़ी, पता नहीं कौन सी, किटी कैट वाली, साथ यहाँ पे लगा हुआ है एक चीते का वो फ्रेम और उसके साथ लाइट लगी हुई है बड़ी फिट किस्म की, और ये आता है फ्रेम तो आप एंटर हो, कारपेट लगा हुआ है। लेकिन एक बड़े मजे की चीज है जो भी बिलाल ने हमें दिखाई है, ये पंखा है, ये देखना था, चेक करना इस पंखे पे। अच्छा जी, अभी आपको लग रहा है नॉर्मल पंखा है, चल रहा है चल रहा है, वो देखो नीमो आ गया। अच्छा वो मैंने 60 फ्रेम्स पे लगाया ना, तो उस पर ऐसा लग नहीं रहा, कट रहा है, लेकिन अगर आपको मैं लाइव पे दिखाऊं ना, एक मैं आपको 30 फ्रेम्स पे दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा ये मैंने 24 फ्रेम्स पे आपको सर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पे चेक करो जरा, ओए होए टीरेक्स भी आ गया, क्या बात है, ओए होए हैप्पी मील भी आ गया, ओ पिकाचू निकला अंदर से, ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं बताना कहाँ से लिया। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, रियल आंख से देखो ना तो कंप्लीट नजर आ रहा है अभी ना, इसलिए ये पंखे के बीच में फैंस आ रहे हैं, पोकेमॉन, वाह जी वाह। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, अब अंधेरे में यार इसमें तो चली जा रही, मतलब बड़ी एंडलेस है इसके अंदर, काफी ज्यादा है इसके अंदर। फिर यहाँ से मेंटर होते हैं, ये पिक्चर लगी हुई है, उसके बाद ये शीशा है, शीशे के साथ फिर ये लाइट्स हैं, ये वाली जो कलर हो रही है, यार बड़ा मजे का सीन। उसके बाद एक घड़ी है बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, फिर यहाँ से देखो ये है मोना लिसा, और वहां से भी मोना, मैंने कहा शायद ईसा आ जाए।
और ये देखो, ये तो पहले भी हमने देखी थी आई गेस। यहाँ से इन्होंने बॉलीवुड वॉल बनाई हुई है पुरानी अपनी मूवीज की। आई थिंक ये तुमने AI से बनाई थी राइट, पुरानी वाली जो बिलाल को पसंद थी वो बाथरूम में लगाई हुई बेसिकली ना। और फिर कमरे में अगर आप जाओ तो ये कमरे में चांद यहाँ पे लगाया हुआ है, चांद के साथ ये एस्ट्रोनॉट लटक रहे हैं। क्या क्या हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, बड़ा अच्छा मिनिमलिस्ट है लेकिन क्लीन है। फिर यहाँ से आप आओ तो ये मेन कमरा आता है, यहाँ पे ये कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई है, ये शीशा रखा हुआ है, यहाँ पे एक और ड्रॉइंग है दंगल वाला। लगान है, अच्छा लगान का, ओए होए होए होए, पीछे वो भी खड़े हुए, तुम 2% का हमारी ज्योति के नीचे ही रहेगा। और वो बिलाल उधर अभी आइजन के साथ लगा हुआ है, और ये है आइजन, बड़ा खुश हो रहा है तुम्हारे साथ है, चल मारा। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये डक लगा हुआ है, और बाहर का एक बैल्कनी का व्यू भी है जो अगर आपको हम दिखाएं। ओए होए होए होए, यहाँ पे झूला लगा हुआ, बंदा बैठ के आराम से चिल मार रहा है इधर, और सामने सारे आपको नेबर्स नजर आते हैं। यहाँ पे अगर कोई आ जाए नजर तो उसको दूर से बंदा आंखें मार चिट्ठियां भेजी कबूतर भेजना हो ना किसी को एक से दूसरी बैल्करी में। अभी बिलाल भाई को ना हम शर्ट ट्राई कराते हैं, इन्होंने मीडियम साइज ऑर्डर किया था लेकिन ना मैं इनके लिए स्मॉल भी लाया हूँ। बिलाल की मेरे से थोड़ी सी ज्यादा हाइट और बॉडी बड़ी है तो आई थिंक इसको स्मॉल आनी चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। मीडियम भी है, स्मॉल भी लाया हूँ। और बिलाल भाई के बाल जो है वो फिजा जितने हो गए अब काफी ज्यादा हो गए दिखाओ। बिलाल तू तो पेंटिन के एड में आ जा इस टाइम पे, बन सकता है बस दाढ़ी दूढ़ी काट के ना थोड़ा मेकअप करके बस दाढ़ी के साथ ही आज। आजकल तो चल रहा है, सब चल रहा है, इतने गुस्से में क्यों देख रहा है। चलो बॉयज एंड गर्ल्स अभी आपको दिखाते हैं बिलाल भाई का ना जरा फैशन शो। भारी शर्ट है, मैंने एक बार वाई थी अपना ना इंस्टाग्राम से, दैट शर्ट आई स्टिल लाइक वेयर अ लॉट। हैवी वेट थी, हैवी वेट थी काफी ज्यादा ना, एंड दैट वाज लाइक $85 की मिली थी। $85 की, और मैं तुम्हें कितने की दे रहा हूं ये देखो जरा। नहीं दिस इज रियली गुड क्वालिटी। मे बी आप वगैरह में जाओगे ना वो जो शर्टें होती हैं दे जस्ट लाइक डोंट लास्ट दैट लॉन्ग। एग्जैक्टली कलर वालर तो ज्यादा $30 की दे रहे होते हैं उसको, वो दिखा रहे घर का भी आ रहा है, अपार्टमेंट का भी वो देख रहा है। वो देखो ये क्या आ रहा है, ये तो मलेशिया आ गया। हम तेल ले लेंगे ठीक है, एक बाय कर लेंगे, इसी को देखता नहीं सारी रात। ओए होए, बड़ी फिट लग रही है यार, मीडियम ही सही है। तो एक स्मॉल ट्राई कर लो, एक मिनट दिखाओ जरा पीछे से। ओए होए, चलो शीशे में देख जोरो वाला पीछे एक्स, एक तरह तुम स्मॉल ट्राई कर लो देख लो। लेंथ जो है ये सही है, लेंथ अच्छी आ रही है आज की, है तो तुम एक बार ट्राई कर लो, लेकिन जस्ट इन केस सेम चीज स्मॉल साइज में, वो मीडियम है ये। अच्छा ये लोगों को जो साइज चार्ट कंफ्यूज होता है, दिस इज मीडियम ऑन हिम, 6 हो तुम ऑलमोस्ट 165 pounds, वो मैं केजी पे लगाता हूँ तो ये मीडियम आ रहा है। अभी स्मॉल ट्राई करो जरा, हाँ ये देखो इट्स लाइक शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट है, हाँ मीडियम ज्यादा बेहतर है तुम्हारे। चलो ठीक है फिर, हमारा डिसीजन सही था मीडियम का। यार हाउ कम मैक्स द स्मॉल में ज्यादा अच्छी, तुम्हारा धड़ लंबा है मेरे ख्याल से इसलिए, मेरा धड़ छोटा है टांगे लंबी है। चलो ठीक है फिर तुम मीडियम कर लो। ओके फिर मीडियम में बाकी भी जरा ट्राई करा दे। बाकी बिलाल भाई को हम दूसरी शर्ट में डालते हैं, टोजी वाली में डालते हैं, ग्रीन वाली में। चलो तो बिल्कुल सही है, साथ ये दिखाना नीचे से बूट्स और साथ जीन्स है ब्लैक और ये साथ है। हाय हाय हाय, तो ये प्लेन व्हाइट जिनमाटो टी है, ये बॉयज एंड गर्ल्स बिलाल भाई पे स्मॉल सही है, ये मीडियम थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। पीछे से तो प्लेन है सिंपल है, लेकिन ये देखो ये जैकेट वगैरह के साथ कितनी फिट जाएगी, पहन के दिखा दे फिर जैकेट, परफेक्ट है ये देखो। ओए होए होए होए, इसके ऊपर ब्लैक शर्ट भी पहन सकते हो, ब्लैक शर्ट भी तुम पहन सकते हो, बटन अप कोई भी पहन सकते हो, जैकेट वगैरह भी विंटर्स वैसी आ रही है। तो ये चेक करो जरा, बिलाल तू तो हीरो लग रहा है, जेन्युइन बात है, जेलस कर रहा भाई को फिट लग रहा। अब तुम्हारी वो लास्ट जो लीवाई वाली है वो एक पहन के देख लेना, वो ट्राई कर लेते हैं। ओए होए होए, ये तो सबसे अच्छी लग रही है, पिंग्स ऑफ फ्रीडम नीचे से बूट्स के साथ क्या बात है, थोड़ा सा कैट वॉक करता हुआ दूर से से चलता हुआ, परफेक्ट लग रहा है। एकदम घूमी तेरा दोबारा सर, एक सेकंड उधर से घूमे सर, परफेक्ट लग रहा है सर। ओए होए 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 होए, बहुत अच्छी है ना। Of course. मैं कैपोहॉलिक नहीं हूँ, मैंने जो बात की थी आपको उसी पे मैं उतरा हूँ पूरा, मैंने बिलाल भाई को भी पहन के दिखा दिया। प्रीमियम क्वालिटी शर्ट्स है, अपने उनके मुंह से खुद ही सुन ले कि यहाँ पे $50-$80 की मिलती है, और मैं इतनी सस्ती दे रहा हूँ फिर बड़ी महंगी दे रहा हूँ। अबे शर्ट भी तो देखना मामू, मटेरियल डिफरेंट है ना, हैवी वेट शर्ट है, थिक है मटेरियल और सॉफ्ट है। ये कितने की तुमने ली थी, 25 की थी, और ये देखो मटेरियल और इसकी जो थिकनेस है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, बहुत लाइट शर्ट है वो। जाओ ना कि कितने हॉट टॉपिक पे जाओ, हाँ। फिर Amazon से जाके अपना स्पेशलिटी एनिमे वगैरह कपड़े तो क्वालिटी बिल्कुल खराब होती है ना। लोग कहते हैं यार दिस इज मोर लाइक, हम सिर्फ पहन रहे हैं क्योंकि हम फैन हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं पहन रहे कि लाइक It looks good on me. That's the thing. तो उस चीज को मैं चेंज करना चाह रहा था कि it actually looks good and ये looks stylish. नहीं भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन दिया कि हम बिलाल भाई के घर से फारिग हो गए थे और अब हम फिजा की यूनिवर्सिटी में आए हुए संडे को, क्योंकि इससे कोई लैब में कोई मशीन चला के चेक करनी थी, क्योंकि फिजा ना वो जो बुढ़े लोग नहीं होते जो
जो याददाश्त भूल जाते हैं उनको सही करती है। फोटो बायो मॉड्यूलेशन व्हिच इज लाइक आप एक मिनट थोड़े उर्दू में समझाना, वो भी कंफ्यूज हो गया वो देखो। अच्छा एक ना हेलमेट होता है व्हिच हैज लाइक डिफरेंट लाइट्स, होती रेड कलर की है लेकिन वो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अच्छा। अगर आप वो हेलमेट पहन के कुछ टाइम के लिए बैठो ना तो इट सेज कि आपकी मेमोरी जो है वो बेहतर हो जाती है। दैट्स व्हाट वी आर टेस्टिंग नाउ। एक हेलमेट है वो जो रेड लाइट मारती है लोगों के सर पे और उससे मेमोरी आपका फोकस अच्छा हो जाता है। हाँ, तो हम लोग उनको टास्क देंगे, टास्क इतना मुश्किल होता है, आपकी ना डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आती है। अच्छा। 0.12 सेकंड्स के लिए वो बस शो होती है। अच्छा, और आपने बताना होता है, आपने बताना होता है क्या ओरिएंटेशन थी लाइन की। अच्छा वाओ, तो उस मशीन को तुमने फिक्स करना है। फिक्स नहीं करना, क्या करना है उसको, चला के देखना होती है, उसकी मेजरमेंट होती है। ओह अल्लाह, शुरू हो गई फिर से। मेजरमेंट होती है, क्या होता है पता नहीं, क्या कही जा रही है बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये कुछ हम देखने जा रहे हैं, तो मैंने कहा साथ साथ आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ फिजा क्या करती रहती है यूनिवर्सिटी में आके। बॉयज एंड गर्ल्स आज संडे है ना, तो मुझे ना देख के अपना कैंपस लाइफ याद आ गई। जो बहुत ओजी फॉलोअर्स हैं मुझे, वो WT में जाता था उसके जमाने से देख रहे हैं कॉलेज वाले। तो मैं फिजा को बता दूं, मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी 4 साल, गाड़ी नहीं थी और मेरे पास खानदान भी नहीं था जिसके पास मैं जा सकता था। संडे का दिन इतना बुरा लगता था ना मुझे कॉलेज में, कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर, कभी टाइले गिन रहा हूँ अपने डॉन की छत पे। टेरेबल लाइफ मैन, आई डोंट लाइक कॉलेज एट ऑल। वीकेंड्स पे बहुत मैं बुरा लगता था। हमारे लिए शुगल तो थे नहीं कि मामू की फैमिली साथ घर पे खाना है, देसी खाने, गाड़ी भी थी तुम्हारे पास कॉलेज में, मैं तो बहुत ही बेचारा गरीब। बस क्या तुम्हें बताऊं, बड़ी तुम्हारी रेजिडेंट ईवल वाली लैब है भाई। मैंने कहा जितने तुमने एक्सेस कोड मारे, कौन सी हम ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में आ गए हैं, रेजिडेंट ईवल वाली। अभी बेसमेंट में जाएगी फिजा ना, फिजा का आई स्कैन होगा, नीचे टी वायरस बना रही है। मुझे पता ही था मेरी बीवी इतनी लाइक है। ये फिजा सईद की टेबल है, ये फिजा बनी हुई, ये आइजन बना हुआ नीचे। ओए होए होए होए, ये क्या करने लगी हो तुम है? ये क्या है, माय गॉड, ये मैंने 3D प्रिंट करके सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करके। ये 3D प्रिंट किया तुमने, वाओ। ये हम लैब में जा रहे हैं, अब मुझे कुछ स्पेशल सूट तो नहीं पहनना पड़ेगा इसके लिए। नीचे जा रहे हैं, हार्मफुल रेज यू नो मुझे और आइजन को। ओए होए होए, नाइट्रो के टैंक भी पड़े हुए हैं। वो वीडियो गेम की स्टेज नहीं होती रेजिडेंट ईविल, मुझे आई जा रहा दिमाग में, जहाँ पे ना कोई बंदे के टेस्ट कर रहे होते तो वो ना उसमें वायरस घुसा देते, फिर वो बॉस बन जाता है। अब भागे भागे जा रहे होते हो, फिर ना बीच में ना सिलेंडर गिरा रहे होते टैंक के ना, और फिर उस पर गोली मारते हो, फिर वो बॉस को लग जाती है, फट के हो जाता है। बच्चा हो गया मेरा, लेकिन बचपन वाली चीजें नहीं गई ऐसे ही जी। वो देखो लिखा हुआ वार्निंग लेजर, मैं तुम्हें कहा था ना खतरनाक एरिया हमें लेके जा रही है। ओए होए होए, ये कहाँ गए बॉयज एंड गर्ल्स। ओए होए होए होए, ये जाता सर पे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो उसकी लैब, यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली अल्जाइमर्स के खिलाफ लड़ने। अल्जाइमर डिजीज होता है जो बूढ़े लोगों नहीं होता, मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो यहाँ पे फिजा रोज आती है बेचारी। ये क्या रेडियो? ओए अच्छा अच्छा, व्हाट डज दिस बटन डू। हमारा काम हो गया यहाँ पे, हमने सारी चीजें कर ली हैं, पता नहीं क्या किया इसने लेकिन कुछ किया है, और अब हम निकल रहे हैं। आइजन का रोना शुरू हो गया है, फिर आपसे बाकी घर जाके इंशाल्लाह मिलेंगे। घर जाके क्या तुमने रिकीज लेना है? तौबा, रोज बाहर का खाऊंगी, सिर्फ सैटरडे संडे का तो 2 दिन तो निकाल दिए, 7 में से पीछे बचा गया। बॉयज़ सीन ये है कि हमने रिकीज फिजा के लिए पकड़ लिया है, और खुशबू उसकी से बहुत अच्छी KFC वाली आ रही है। नई नई मिर्चें होंगी इसमें बहुत, तुमने हॉट कराया ये मेरा पेट फट जाएगा। एक खांसी क्या होता है? अबे बहुत मिर्चें मैं थूक रहा हूँ, टेस्टी है लेकिन बहुत मिर्चें, मेरी जुबान जल रही है। आप तो बाद में मिलते हैं घर जाके। सिंगल सीन है कि हम घर वापस आ गए तो मैंने खाना शाना खा लिया था। मैं आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड बिकॉज मैंने आइजन को बात देना था। आजकल भाई आपका आइजन को रोज नहलाता है फिजा की हेल्प से, ऑफकोर्स अब ये ज्यादा तंग नहीं करता बल्कि इंजॉय करता है बैथ्स को। सोएगा तो फिर भी नहीं, तो फायदा कोई नहीं होता। लेकिन वैसे ही पूरा दिन अपने पे दूध, हम पे दूध, सब पे दूध गिराएगा तो नहलाना तो ऐसे दूध ही दूध, बल्कि इतना दूध इस पे अक्सर गिरा होता है कि बाहर हम घूम रहे होते तो मक्खियां इस पे ही घूम रही होती है। मैंने कहा इस पे मक्खियां क्यों घूमती है, इसको तुम रोज नहलाते हो फिजा ने कहा इस पे दूध जो लगा होता है सारा टाइम। अगेन मैंने कल भी बताया था कि न्यू मर्च हैज ऑलरेडी लॉन्च और लोगों ने ऑर्डर्स डालना शुरू कर दिया, स्पेशली फॉर द ब्लैक शर्ट, विच इज क्रेजी टू मी बिकॉज तुम लोग ब्लैक शर्ट के पीछे भागी जा रहे हो जो नई वाली है ना, तुम लोग दूसरी शर्टों पर गौर नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दीज पिक्चर्स, दीज आर रियली प्रिटी शर्ट, जो व्हाइट वाली है और जो येलो वाली है। फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों ने समझा कि ये शर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन आज मैंने आपको पहन के दिखाई, चीजों के साथ मिक्स करके मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। कुछ चीजें होती है जो आप पहन के देखते हो ना, आप कहते हो अच्छा यार वाकई आंखों को अच्छी लग रही है चीज। ग्रीन
वाली येलो वाली के तो कपड़ा ही बहुत प्रीमियम है, खैर सबका ही है। यूएस और कनाडा वाले जो लोग हैं फिटेड टीज का जो ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको फॉरन डिलीवर कर दूंगा बिकॉज आई हैव द स्टॉक। और जो ओवर साइज टी शर्ट्स हैं यूएस एंड कनाडा वाले आप लोग वेट कर लो, थोड़ी देर में मेरे पास माल आ जाएगा फिर आप वहां से ऑर्डर कर लेना, या तो अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हो आप कर सकते हो बिकॉज लिमिटेड अगेन। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर द ऑसम फीडबैक जो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में दिया फैशन के बारे में, शर्ट्स के बारे में इन जनरल। मैं और फैशन वीडियोस बनाता जाऊंगा बिकॉज दिस इज समथिंग आई लाइक, आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर करके दिखाऊंगा। फिर फिजा को भी ऑब्वियसली विल गेट ऑन बोर्ड, क्योंकि लड़कियां कहती थी कि मेल के फैशन दिखाते हैं लड़कियों के नहीं दिखाते, तो ऑफकोर्स उससे भी करेंगे। कोई भी बिजनेस एडवाइस होगी मैं आपको दूंगा, कोई भी चीज मैं किस तरह करूँ, द थिंग इज आई एम टेकिंग यू ऑन दिस जर्नी टुगेदर विद मी ताकि आप लोग ही चीजें सीखो। मैं ये नहीं बैठ के तुम्हें कह रहा कि यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ और उधर भेज दो, नहीं मैं तुम्हें पूरी चीजें बता रहा हूँ साथ साथ। इट्स अ जर्नी वी आर ऑन टुगेदर। आई विल एंड दिस व्लॉग राइट हियर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू नहीं बॉय कुछ फॉरगेट नहीं किया आपने। एनीवेज आई विल सी यू गाइस।